में पांचवें चरण के तहत वोटिंग हो रही है, इसे को लेकर हम और ज्यादा विश्लेषण से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सलाहकार संपादक है के न्यूज के बख्श सिंह जी जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। के बख्श सिंह जी के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे आज यूपी चरण को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, क्या कुछ खास है इस मतदान में और क्या कुछ लगता है किस तरह तस्वीर जो है वो बनती हुई नजर आएगी। सबसे पहले के बख्श सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी देखिए, इसमें ये पांचवें चरण में 12 जनपदों में और 61 सीटों पर चुनाव चुनाव हो रहा है। इसमें से 2017 में 61 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी को मिली हुई थी। अब परिस्थितियां बहुत ही बदल गई। पहले 2017 में, चूंकि 2014 में पीएम मोदी और योगी और 2017 में योगी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन पीएम ने इसका प्रचार किया था। स्थिति अब बदल गई है। जो इनके सहयोगी सपा के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, वो सपा में शामिल हो गए हैं। स्थितियां बहुत ही बदल गई हैं। और अब यहाँ इनको 41 सीटें बचा पाना 2017 वाली बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, इसमें सपा का जरूर फायदा हो सकता है, और सपा के केवल 5 सीटें थी, अब उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। और इसमें उत्तर प्रदेश के करीब 12 मंत्रियों का भाग्य जो है इसमें दांव पे लगा हुआ है। इसमें स्वामी प्रसाद, वो केशव प्रसाद मौर्या है, मोती सिंह है और रमापति शास्त्री हैं। कई इस तरह से एक दर्जन से करीब मंत्री इसमें दांव लगा हुआ है। स्थितियां बहुत ही 2017 में स्थितियां थी, 2022 में काफी बदल चुकी हैं। और इस बदले हुए परिवेश में भी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो भाजपा अपना 300 सीटों का जो दावा ठोक रही है वो पूरा कर पाएगी नहीं, ये इसमें मुझे शक लग रहा है। ठीक है, यानी इस बार की परिस्थितियां जो हैं, तस्वीर है वो थोड़ी सी बदली हुई सी नजर आ रही है। लेकिन केबक्ष सिंह जी, अगला सवाल मेरा यही है कि हमने देखा था, चाहे 17 का चुनाव हो या फिर 19 का, भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी वो जनता पर हावी नजर आ रही थी। क्या इस बार भी, आपने कहा कि तस्वीर भले बदली है, लेकिन क्या, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भी आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखातिब हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो चेहरा भी इस बार कुछ मदद करेगा? भाजपा की जो लहर थी वो अभी भी कायम है थोड़ी बहुत, क्या उनका जादू चलेगा इस बार? निश्चित तौर पे योगी एक हिंदुत्ववादी नेता है, उनका चेहरा पूर्वी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे योगी का चेहरा काम करेगा। लेकिन कितना काम करेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां अब पहले वाली भाजपा की लहर नहीं है। 20 कैंपेंसी भी है, तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और इस तरह से एंटी कैंपेंसी का असर पड़ेगा, लेकिन योगी के चेहरे पर असर पड़ेगा। लेकिन कितनी सीटें योगी 41 की 41 सीटें ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई ये तो कोई जोशी बता सकता है, लेकिन जो हमारा आकलन है, 41 सीटें उनका लाना असंभव है। हाँ, इस चूंकि अन्य पार्टियां जो पहले भाजपा के समर्थन भी थी, अब सपा के समर्थन अखिलेश के साथ चली गई हैं। हाँ, तो अखिलेश की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन योगी का जादू थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। जी, यानी कहीं ना कहीं अब जो है वो जादू चलेगा, लेकिन फिर भी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट होने में थोड़ा सा वक्त है। हमारे साथ में सैयद कासिम जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं महाराजगंज में, सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। क्रेडिट कार्ड दिया उनके लिए, 27,000 करोड़ की योजना लेकर आए, ढेर सारे काम गरीब समाज के लिए, अगर किसी ने कहे है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किए। मित्रों, अखिलेश बाबू है ना, एक चश्मा पहनते हैं मेरी तरफ, उसमें दो ग्लास है, एक ग्लास में थे उनको एक ही जाति दिखाई, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता, और दूसरे कांच में एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना आप पाते हो ना मैं आता हूं। अगर साइकिल की सरकार आई तो आपका भला होगा क्या, बताओ भाई? कभी किया है साइकिल ने? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास ये कर सभी समाजों का भला करने का, हमने कभी नहीं देखा कि गरीबों के घर किस जाति के बन रहे, किसके घर में बिजली जा रही,
किसके घर में शौचालय जा रहा है, किसके घर में सस्ता अनाज जा रहा है, हमने कभी नहीं देखा। हमने यही देखा, ये गरीब है, इसकी जात और धर्म देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया भाइयों, कभी नहीं। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला कोरोना में राज्य कौन सा है मालूम है आपको? जोर से बोलो, कौन? सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला कौन? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा हरी मटर उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा गन्ना पकाने वाला कौन? सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला कौन? ये सब पहला नंबर आ गया ये पांच ही साल में। अखिलेश के समय में किस चीज में पहले थे भाई? मैं बताऊं, डकैती में नंबर एक थे, खून बलात्कार और अपहरण में नंबर एक थे। इसकी जगह आलू पकाने में, आंवला पकाने में, हरी मटर बना पकाने में, दूध उत्पादन करने में, गन्ना पकाने में और चीनी बनाने में नंबर एक बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ, हमने 10 नए अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाए, 51 नए कॉलेज बनाए, 79 नए कॉलेजों के बिल्डिंग बनाए, 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाई, 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम किया। ये सारा एक पांच साल में किया है अखिलेश बाबू। सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल एक और, हमारे 5 साल एक और। हमारा माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं? महाराजगंज से आप सुन रहे थे अमित शाह को, कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपी केरल में पांचवें चरण के तहत आज वोटिंग हो रही है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक के पक्ष सिंह जी लगातार बने, और साथ ही सैयद कासिम जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। सैयद कासिम जी के पास चलते। सैयद कासिम जी, आपको क्या लगता है, पांचवें चरण के तहत ये कहा जा रहा था कि जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषक जो है वो थोड़े से असमंजस में नजर आ रहे हैं, कुछ तस्वीर जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको, सियासी माहौल जो है वो क्या कुछ कह रहा है इस बार पांचवें चरण तक? देखिए, चुनाव में असमें तस्वीर इसलिए साफ नहीं हो रही है कि हम और आप या हमारे जो विश्लेषक हैं या मीडिया के लोग हैं इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ सपा और भाजपा में देख रहे हैं। सपा और भाजपा में चुनाव देखने की वजह से चुनाव की तस्वीर साफ इसलिए नहीं हो पा रही है कि आप अगर देखेंगे तो ये जो चुनाव चल रहा है आज के चरण में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जहां नजर आ रहा है वहां तमाम ऐसी सीटें हैं। जैसे मैं इस वक्त पिछले 4 दिनों से अयोध्या में, अयोध्या जी में आप देखेंगे अगर 5 सीटें यहां हैं, इन 5 सीटों में समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पे साफ दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पे साफ दिखाई दे रही है, और 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी साफ दिखा दे रही है और 2 सीटों पे कॉन्टेस्ट है। इसी तरह से बाराबंकी जब आप जाएंगे तो सेम चीज बाराबंकी में दिखाई देगी, उसके बाद आपको सुल्तानपुर में भी सेम कहानी नजर आएगी। तो हम और आप इस बहस में जब तक बहुजन समाज पार्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे और कांग्रेस की उपस्थिति की संभावना को नहीं देखेंगे कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे ने किसको कितना डैमेज किया है, तब तक ये तस्वीर साफ नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि इस चुनाव में जब से ये चुनाव शुरू हुआ है वेस्ट यूपी से जब हम चले हैं तो वहां गठबंधन ने अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद से चुनाव ऐसा है कि किसी भी विश्लेषक का विश्लेषण करना और किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। जी, ये चुनाव आखिरी चरण तक इसी तरह से रोमांचक बना रहेगा और आप देखेंगे के न्यूज पे मैंने पहले भी कहा है और आपने भी इस संभावना को टटोला है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा हंग असेंबली की तरफ बढ़ रही है, ये त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद का नतीजा ये अमित शाह और मोदी जी की गणित पे तय करेगा कि ये उत्तर प्रदेश किधर जाएगा।
ठीक है, यानी अभी पूरी तरह से तस्वीर जो है, जो आकलन किया जा रहा है उस पर भी पूरी तरह से डिपेंड हो जाना ठीक नहीं होगा, पूरी तस्वीर आगे ही साफ हो पाएगी। आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे यूपी के रण को लेकर, पांचवें चरण को लेकर, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोकते, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई, फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां, और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यूपी के रण और पांचवें चरण की, क्योंकि आज पांचवें चरण के तहत 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है और हमारे साथ में इसी पर अधिक बातचीत के लिए एक खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ में सैयद कासिम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नावेद चिको जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन सबके पास चलेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलना भाई। देखो मैं पिछले 1.5 महीने से खराब करते करते यहाँ आ रहा है और तब भी मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। देखिए आपसे ज्यादा आवाज रवि किशन जी की थी, अभी सुना ना। आप में से कितने लोग हैं जो उनके साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं? सभी लोग करना चाहते हैं। तो देखो उनके साथ काम करने के लिए उनसे तेज आवाज भी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा बताओ, तरकुलानी रेगुलेटर आपका बन गया ना, राहत मिली है ना? कोरोना में, इस सदी की कोरोना सबसे बड़ी महामारी है, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी ने ले ली है, अभिनंदन आपका। वैक्सीन का पैसा तो नहीं मांगा किसी ने, चलो सच बोलना, पैसा तो नहीं लिया ना? अगर सपा की सरकार होती तो सब
ब्लैक हो जाती है और आपको पैसा दे करके भी नहीं मिलता। वैसे जैसे 2017 के पहले रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, और इसीलिए फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। पहले तो बिजली की भी जाती होती थी और मजा होता था, अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। और कोरोना कालखंड में दो बार राशन मिला कि नहीं मिला है, देखो सच बोलना, मिला है कि नहीं मिला है? दाल, तेल और नमक है ना? इधर के लोग क्यों चुप है, यहाँ नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना? अभी देखो हम लोगों ने कुछ तय किया है, अभी तो झलक है। अभी तो 10 मार्च के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सभी जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमारे कुछ प्रमुख साथी, उनमें से प्रमोद गुप्ता जी हैं सेवा दल से, 56 साथी हैं बाहर, 56 लोगों के साथ वो अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रमोद गुप्ता जी जो कांग्रेस सेवा दल में बहुत सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे हैं, और हेमंत पसमोदा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं लेकिन साथ में मिलकर क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में रहे हैं, और साथ साथ में जे एस नेगी जी भी हैं जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। सब लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं सबका मीडिया के समक्ष सबका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब मिलके जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, अरविंद केजरीवाल जी का सपना है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को हर तरह की ऐसी सुविधाएं देना जो कभी पिछली परंपरागत पार्टियों ने पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं और कर किया भी नहीं, जो 5-7 साल में दिल्ली में करके दिखाया, उसको और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उनकी भूमिका रहेगी। मैं कुलदीप भाई से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द आप भी रखें। नमस्कार, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं कांग्रेस में रहा हूं, मीरा भारद्वाज के टाइम से, तो मैंने देखा भी कि जिस तरीके से विकास जो अब होने जा रहा है, जो अब हो रहा है, तो वो कोई पार्टी कर नहीं पाई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे बीजेपी पार्टी रही होगी। तो देखा मैंने कि स्कूलों से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर, क्योंकि मेरे पे जितने भी लोग आते थे वो सारे सामाजिक लोग आते हैं, अपना दुख लेके आते थे, गरीब तत्वों के लोग भी आते हैं, तो उनके लिए जब पहले मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इधर उधर से फोन करना पड़ता था, तब जाके 2-3 दिन में नंबर आता था, आज का दिन ऐसा है कि मैं एक फोन करता हूं, भले ही पार्टी उस टाइम पर अलग अलग रही होगी लेकिन साहब के यहां से कभी मनाई नहीं हुई है, एक रुपये उनका इलाज हो जाता था तुरंत, उनको एडमिशन से लेकर किसी भी चीज की हो। तो यही सारी चीजें मनीष जी के सारे काम को देखकर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, और अब मेरे को जो काम करने में जो 2-4 दिन लगते थे अब वो तुरंत हो जाएंगे, सभी जो मेरा वार्ड जो है, वार्ड की जो जिम्मेदारी है वो और अच्छी तरीके से मैं निभाऊंगा। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जहां पर जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है उनका स्वागत करते हुए इस दौरान वो नजर आए हैं, और कई अहम लोगों ने इस बार आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की है। और आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यूपी के रण और 5वें चरण को लेकर, जिसके चलते हमारे साथ में कई अहम मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ में सैयद कासिम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ के बख्श सिंह जी सलाहकार संपादक के न्यूज के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नावेद शिकोह जी के पास में चलते हैं। नावेद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अभी हमारे साथ में। नावेद जी, क्या लगता है 5वें चरण तक जो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी वो अब तक साफ क्यों नहीं हो पाई है? इस बार का चुनाव बाकी के चुनावों से अलग क्यों नजर आ रहा है? नावेद जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नावेद जी आप अपना फोन अनम्यूट करें। तो नावेद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़ी बातें कही, और आपको बता दें कि आज कई अहम लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। थोड़ी सी और तैयारी करके 2 दिन के अंदर, तो 1 तारीख से
पूरी दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कुछ चीज़ों को छोड़ के वो सब अब ख़त्म हो जाएंगी। तो एक तरह से हम वापस जो 2020 में जब कोविड आया था उसके दौर में पहुंच जाएंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे स्कूल्स में अभी हाइब्रिड मोड में क्लास चलती रहेंगी या कुछ चीज़ें जो ऑर्डर्स में लिखी गई हैं उनको छोड़ के बाकी सब यथास्थिति पूर्ववत जो हम 2020 से पहले 2020 तक जनवरी 2020 तक की स्थिति में थे वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी सब रेस्ट्रिक्शंस अपने आप डिफंक्ट हैं। अभी देखेंगे इसको। दो मिनट दे दीजिएगा। आए हैं और इस दौरान जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है उनका स्वागत करते हुए भी वो नजर आए हैं। आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही और साथ ही साथ जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने भी कहा कि हम जनता का विकास करेंगे और ये सारी बड़ी बातें कहते हुए इस दौरान वो नजर आए हैं। और हमारे साथ में लगातार एक खास पैनल मौजूद है जिनके साथ में हम बातचीत कर रहे हैं यूपी के रण को लेकर और इसी के चलते हम सबसे पहले चलते हैं नावशी कोची के पास में। वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी नावेद जी, इस बार पांचवें चरण तक आज वोटिंग हो रही है लेकिन पांचवें चरण तक पहुंचने के बाद भी जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों राजनीतिक सलाहकार जो है वो असमंजस में नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, मुकाबला बहुआयामी हो चुका है, आम आदमी पार्टी भी है चुनाव में, सपा का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो सबसे पहले दांव पर लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बड़ा ये चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इस बात में कोई शक नहीं है और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये चुनाव बड़ा अजीबोगरीब इसलिए लग रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा खामोशी है कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स जो है भाप नहीं पा रहे हैं माहौल को। दावे राजनीतिक दल जो भी करे वो बात अलग है कि कोई कह रहा है मैं 400 सीटें निकाल रहा हूं, कोई 300 प्लस बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर कुछ भी कोई भी आवाज नजर नहीं आ रही, कोई जी नावेद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है ठीक तरह से। हमारे साथ में सैयद जी लगातार बने हुए, सैयद कासिम जी के पास चले थे। सैयद जी, अभी नावेद जी ने भी यही कहा कि पूरी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भले ही पार्टियां बहुमत की बात कर रही हो लेकिन पूर्ण बहुमत किसी के भी पास नहीं है, लगभग 200 तक ही सीटें किसी पार्टी के पास जाएंगी तो जाएंगी, ऐसे में किंग मेकर की भूमिका सबसे अहम हो जाती, क्या लगता है? क्योंकि बसपा भी है और कांग्रेस पार्टी भी बड़े दांव लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ चुनावी मैदान में, किंग मेकर की भूमिका कौन निभाएगा? सैयद जी आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच रही, अपना फोन अनम्यूट करें। किंग मेकर की नौबत आती है जी तो उस किंग मेकर की भूमिका में तो सिर्फ मायावती ही दिखाई देती है। कांग्रेस है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और प्रियंका गांधी इस बार का चुनाव जो लड़ रही है वो लोकसभा की तैयारी कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो भी 10-12 सीटें पाती है वो उसको बोनस में मिलेगी, वो कोई चुनाव की रणनीति का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन आपकी और अभी नवेद भाई भी कह रहे थे कि बड़ी खामोशी है, बड़ा सन्नाटा है। दरअसल बात यह है कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। देखिए माहौल तो भाजपा के खिलाफ नहीं था, माहौल था योगी आदित्यनाथ की वाणी के खिलाफ। और आप देखेंगे नतीजे आपको इसलिए चौंकाएंगे कि योगी जी ने गर्मी निकाल दूंगा से लेकर और अभी अंतिम चरण नहीं आया है उनके प्रचार प्रसार को आप देखेंगे तो उनकी वाणी में विराम नहीं है। और उत्तर प्रदेश का मतदाता, जहां तक मैंने कई जिलों में घूम के देखा है, इस वक्त भी मैंने जैसे आपसे बताया कि मैं अयोध्या जिले में मौजूद हूँ, देखिए सीट वाइज वोट जा रहा है और जातीय दीवारें टूटी हैं, जातीय तिलिस्म टूटा है। हाँ एक चीज जरूर है कि अखिलेश यादव के सजातीय को इस बार भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जहां पर यादव कैंडिडेट है वहां नतीजे चौंकाने वाले होंगे और जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पर कोई यादव अगर किसी दूसरी पार्टी से लड़ा वो भी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अखिलेश यादव ने मोर्चा बहुत अच्छा संभाला, शुरुआत बहुत अच्छी की उन्होंने, ओपनिंग बहुत अच्छी की, लेकिन फिनिश करने की नौबत में मुझे लगता है कि वो हिट विकेट होने के करीब पहुंच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू में आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था कि भाजपा बिल्कुल सीन से गायब है, पहले दूसरे चरण में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है, उसमें ठहराव आया है।
लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो आपने किंग मेकर की बात की है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पांचवे चरण की आज पोलिंग हो रही है, उससे शायद नवेद भाई भी सहमत होंगे और दूसरे हमारे जो आपके एक्सपर्ट है वो भी सहमत हो कि यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुजन समाज पार्टी ने 30 और 40 के बीच का आंकड़ा छू लिया है। अब आगे के जो चरण है उसमें अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, ये जनपद जो है इसमें अधिकतर सीटों पे सपा और बसपा में चुनाव होने जा रहा है। यानी बसपा जिसको जिसको अभी बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, लगातार जो फुटेज है वो को नहीं मिल रहा, लेकिन किंग मेकर की बड़ी भूमिका वो इस बार निभा सकती है। सलाहकार संपादक हमारे साथ सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब आप बताइए, क्योंकि आज का पांचवें चरण का जो चुनाव है, श्रीराम की जन्मस्थली से लेकर जो कर्म भूमि रही है चित्रकूट, लगभग 11 साल उन्होंने वनवास के वहां पर बताए हैं, आज वहां पर भी चुनाव है, क्या लगता है? क्योंकि राम के नाम पर चुनाव पहले भी हुए हैं और इस बार भी खूब जो है राम का नाम लिया जा रहा है, क्या लगता है राम किसका बेड़ा पार करने वाले हैं? कि जो चित्रकूट और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम पूरे जहां 11 सीटों पर चुनाव, राम पूरे पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हुआ था चुनाव, उसमें तो बीजेपी कोई ज्यादा, चूंकि बड़ा था जाटों का और उसका अन्य जातियों पिछड़ी जातियों का, तो उसमें तो बीजेपी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये जो पांचवें चरण का चुनाव है इसमें राम का नाम काम आएगा। महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाएं जो महिलाओं को उन्होंने सुरक्षा दी है और इसकी ये भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। हम थोड़ा से पिछले आपको ले जा रहे हैं, 2012 2014 में चुनाव हुआ था। देखिए ये कारण क्या है कि अब एकदम से कहा जाना कि किसकी सरकार बनेगी, त्रिशंकु बनेगी, किसकी बनेगी, किंग मेकर कौन होगा, हम पहले पीछे ले जा रहे हैं कि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो केंद्र में उसमें कांग्रेस सत्ता में थी, और 2012 का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में एसपी सत्ता में थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, और 2014 के जो चुनाव हुआ अखिलेश मुख्यमंत्री, तो स्थिति अब बहुत विपरीत है। पहले मोदी लहर, योगी लहर चली थी, अब कोई लहर नहीं है, ना सपा की लहर है, ना कांग्रेस की लहर है, ना बीएसपी की लहर है, और ना ही बीजेपी की लहर है। हाँ, बीजेपी का एक माइनस पॉइंट है, एंटी कंपेंसी है, बेरोजगारी है, और जो हाँ योगी सरकार ने एक जो अच्छा काम किया है महिलाओं की सुरक्षा का, और दूसरा कानून व्यवस्था पे काबू पाया है, ये इनके पक्ष में जा रहा है। तीसरी बात है, योगी का कार्यकाल 5 साल में कोई उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, ये इनके पक्ष में जा रहा है। तो ये सब चीजें योगी के पक्ष में जा रही है, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही विपरीत है। किंग मेकर की भूमिका में जो आप बता रही थी, तो आपने अमित शाह का बयान सुना होगा, मायावती की घोर घोर प्रशंसा की थी, मोदी ने भी सालों सालों प्रशंसा की थी, तो और मायावती ने अंतिम समय पे जब टिकट वितरण लगभग समाप्त हो गया था, अपनी 6 सीटों का चुनाव घोषित, 6 सीटें बदल दी थी, तो मायावती का रुख बीजेपी के प्रति नरम है, और बीजेपी भी चाहती कि बीजेपी ने जहां जहां बीजेपी कैंडिडेट थे मायावती अपने कैंडिडेट हटा लिया और कमजोर कैंडिडेट दे दिए। स्थिति ये है कि किंग मेकर की भूमिका में मायावती आ सकती हैं। यानी मैं समझ रहा हूँ की बात पे थोड़ा सा मैं सहमत जी, यानी पोस्ट पोलिंग के बाद के जो समीकरण होंगे वो काफी अहम और काफी मायने रखेंगे 10 मार्च को बनने वाली तस्वीर में। नावेद जी हमारे साथ में बने हुए हैं। नावेद जी, अभी यही बात हो रही थी कि जो असर है वो देखने को मिलेगा, भले इस बार लहर किसी के ना हो, लेकिन जनता इस बार मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी। नावेद जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जब पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है, जनता ने मुद्दों को ध्यान में रखा होगा, या फिर जो राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर पार्टियां एक माइंडसेट जनता के बीच में बना देती है कि ये पार्टी इस जाति वर्ग का समर्थन करती है, ये पार्टी इस जाति वर्ग समर्थन करती है, ये सबको ध्यान में रखकर वोट किया गया होगा, हिंदू मुस्लिम ध्यान में रखकर, मंदिर मस्जिद ध्यान में रखकर वोट किया गया होगा, या फिर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको जनता ने ध्यान में रखा होगा और उन्हीं को विकास के नाम पर वोट दिया गया होगा? देखिए, सब बातों का जवाब मैं रखने से पहले एक बिंदु उठाना चाहता हूं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस बात को सब लोग स्वीकार करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये चुनावी जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी उपजाऊ है कि इससे ज्यादा उपजाऊ तो कभी ना थी ना कभी हो सकती है। कैसे? आज की तारीख में मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या का, ये वो मंदिर बन रहा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई दशक तक आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, और उसकी पैदाइश, उसका उभार
उसका विकास भी भारतीय जनता पार्टी का इस आंदोलन से ही हुआ। यदि मैं किसी से कहता हूं कि मैं आपको एक कप चाय पिलाने जा रहा हूं और वो मुझसे खुश हो जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मैं मंदिर, मेरी कोशिश रहेगी कि मंदिर बने, और कितना खुश हो गई थी प्रदेश की जनता, कितनी बार सत्ता दी, केंद्र की सत्ता उसके हवाले कर दी। तो जब मंदिर बन गया, भले ही वो इत्तेफाकन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वो तो न्यायालय का फैसला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय ले रही है और लेना चाहिए भी है और दावा भी कर रही है और बार बार वो इस बात का श्रेय लेना चाहती है कि मंदिर जो बन रहा है ये हमारी कोशिशों से बन रहा है, हमारे दबाव से बन रहा है, हमारे लंबे संघर्ष से बन रहा है और हमारे लंबे आंदोलन के बाद बन रहा है। कई लोग मारे गए, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों ने कार सेवा में उन शहादत दी, उसके बाद ये राम मंदिर बन रहा है, ये हमारी कोशिशें थी। ये पहला चुनाव ऐसा है जब राम मंदिर बन रहा है और बड़ा चुनाव वो भी उत्तर प्रदेश में है। इस पॉइंट पे गौर करिए, नंबर वन। दूसरी चीज, पूरे भारत में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर के आया है हिंदुत्व का, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मंदिर बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कौन कर रहा है? मुलायम सिंह का राजनीतिक दल। वो मुलायम सिंह जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि इन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए राम भक्तों को की हत्या करवा दी थी, ये आरोप लगाती, मैं बार बार कह रहा हूं ये आरोप लगाती। मुकाबले में समाजवादी पार्टी है। हिंदुत्व का इस वक्त परचम क्यों नहीं उभर पा रहा है? ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? जो माहौल की खामोशी की हम सब बात कर रहे हैं वो अजीबोगरीब बात नहीं है। इस वक्त तो भाजपा के मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मंदिर बन रहा था, सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा मुकाबले में मुलायम सिंह का राजनीतिक दल और उनका बेटा। ऐसे में वो स्थिति जो बनती रही है उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से, कि कभी जाति और कभी धर्म, कभी हिंदुत्व कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जातिवाद, ये चुनाव मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे होती, हर तरफ उसकी चर्चा होती, उसका जनाधार होता, लहर होती। मैंने एक चीज और नहीं गिनाई, अभी भी बरकरार है मोदी लहर, मोदी जी की लोकप्रियता है, वजूद तो है उसका, मैं उसमें नहीं जाता हूं कि कुछ कम हुआ है या कुछ बढ़ा है। मोदी जी की लोकप्रियता, डबल इंजन की सरकार, बहुत सारी योजनाओं के वादे, वो योजनाएं जो केंद्र की भी है और उत्तर प्रदेश की भी है, सुरक्षा की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, मंदिर का बनना और इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में भाजपा उभरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, ध्रुवीकरण का कोई भी माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर गौर करने के लिए हमें 2-3 बातें और कहना पड़ेगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज बड़ा बदलाव पसंद है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 30 सालों में कोई सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने रिपीट नहीं होने दी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदलता रहता है। कभी वो हिंदुत्व के फेवर में आ जाती है, कभी कहीं हिंदू मुस्लिम अलग अलग बट के वोट डालते हैं, और कभी वो जातिवाद के साचे में ढल जाती है, कभी धर्म और कभी जाति। ये 30 साल का रिकॉर्ड है लगभग, और इसीलिए सरकार बदलनी, कोई ना कोई मतलब जो है रिपीट सरकार नहीं हुई। ठीक है, मुझे लगता है कि एक मैं बस कह दूं अपनी बात, हमारी नहीं तो बात यहां से कट जाएगी। जी, जी, जी। कि हम लोग अखिलेश यादव को बहुत अच्छा विपक्षी नेता नहीं मान रहे थे, 4 साल तक वो ग्राउंड पे नजर नहीं आए। जितने बड़ा एक विपक्षी दल होने के नाते उनको जमीन पे उतरना चाहिए था, जब वो विपक्षी दल का एक कर्तव्य होता है वो नहीं किया, लेकिन वो शायद दूसरे तरह की राजनीति कर रहे थे, वो बिसात बिछा रहे थे, वो होमवर्क कर रहे थे, वो डेस्क वर्क कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि अब जाति का नंबर है और जातिवाद की बड़ी बिसात बिछा दो। उन्होंने वही किया, चुपचाप बैठ के नजर रखा। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े में नेता थे, पिछड़ी जातियों के नेता थे, नाराज थे, जो संतुष्ट नहीं थे, उनके साथ उन्होंने संपर्क बना के रखा, बहुत सारे पिछड़ों के नेताओं को तोड़ के ले आए, और अब जो उन्होंने बिसात बिछाई है जाति की, तो मुझे लग रहा है कि जातिवाद कहीं ना कहीं खामोशी के साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुल गया है। और उन्होंने ये चुनाव, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, क्षत्रिय वर्सेस पिछड़ा,
कर दिया है अंदर ही अंदर, इसीलिए लगातार सीधा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हो रही है और बाइपोलर इलेक्शन हो गया है और दूसरे दल कहीं ना कहीं साइड लाइन है। ठीक है, यानी पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है वो खूब हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जनता ने पूरी भागीदारी नहीं निभाई और इस बार वो मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करती हुई नजर आ रही है। के बख्श सिंह जी के पास चलते हैं, आपको क्या लगता है सिंह साहब, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं हो पाया पूरी तरह से, ध्रुवीकरण जो बनाने की कोशिश हो रही थी वो कर नहीं पाई, तो इस बार जनता किस तरह का माहौल बनाएगी? क्योंकि हमने देखा है चुनाव से ठीक पहले चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, इन लोगों ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, रेशियो बराबर करने के लिए अपर्णा को भी ले आए, लेकिन फिर भी माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता हुआ नजर नहीं आया। अब अभी तक आपको क्या लग रहा है पांच चरणों तक? पक्ष और विपक्ष, पक्ष और की बात नहीं करता, लेकिन ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में भी है और उत्तर प्रदेश सरकार में जज इनकी सरकार है, तो एंटी कैम्पेंसी जैसा मैं कह रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इसमें बेरोजगारी महंगाई है, यही मुद्दे को लेकर देखिए, अभी मैं चार पांच पोलिंग बूथ पर मैं गया तो महिलाएं तो ये कह के दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा है, लेकिन उन्हीं के घर के पति महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जातिवाद भी हावी है, ये नहीं कि अब इसे बीजेपी में जो कई ब्राह्मण भी योगी से नाराज, ब्राह्मण विधायक भी नाराज है, अब विधायकों की स्थिति यह है कि तेल मालिश कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, तो विधायकों में निराशा तो है, विधायकों को मालूम है कि अब दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं, इसका कारण है कि विधायकों की पांच साल में कोई बात सुनी नहीं गई, उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, अभी हमें बाराबंकी फैजाबाद के कई विधायकों का वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें कह रहे हैं कि मैं हम आपकी क्या सहायता करें, आपसे क्या मिले, हमें एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी ही राजनीति पे हावी थी, जिसका परिणाम योगी भाजपा को, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है राजनीति पे हावी, जो ब्यूरोक्रेट चाहता था, जो पुलिस आईपीएस चाहते थे, दरोगा चाहते थे, वही होता था, तो एंटी कंपेंसिंग यही है कि अब योगी सरकार की कार्य प्रणाली से जनता त्रस्त है, और इसी वजह से जो है योगी की लोकप्रियता चाहे बढ़ी हो हिंदुत्व की वजह से, लेकिन प्रशासनिक जो उनकी लोकप्रियता है उस पे वो गिरी गिरी। ठीक है, यानी लोकप्रियता बढ़ी लेकिन तेवरों के चलते कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। सैयद कासिम जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। सैयद जी, एक और वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा काम कर सकता है, वो है लाभार्थी वर्ग, क्योंकि भले ही सरकार की ओर से बड़ी बड़ी योजनाएं रही, उनको लाभ मिला, राशन मिला, तो कहीं ना कहीं ये वो वर्ग है जो अगर साथ देता है, भले ही साइलेंट वोटर हम कहते हैं इस वर्ग को, अगर साथ देता है तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ेगी। हालांकि हमने देखा था जहां पर अखिलेश यादव बेदाव खेल गए, उन्होंने कह दिया कि जब तक हमारी सरकार रहेगी हम फ्री राशन देंगे, क्या लगता है कि क्या इसका असर भी चुनावों में पड़ेगा? हाँ, कुछ असर पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात को, मैं शुरू में मैं खुद कहता था कि लाभार्थी एक जात हो गई है, लेकिन मैंने जब तीनों ये चार चरण के चुनाव को देखा तो लाभार्थी भी जात का होता है, वो भी यादव होता है, कुर्मी होता है, लोधी होता है, दलित होता है, पासी होता है, कोरी होता है, तो लाभार्थी की भी जात होती है, और जब जात, जैसा नवेद भाई कह रहे थे कि जात जब अपने सर पे चढ़ के बोलती है तो फिर वो लाभार्थी, जैसे आपने देखा होगा कि कांशीराम आवास कितने बने, कितने अंबेडकर ग्राम बने, कितना क्या क्या मायावती सरकार में हुआ, लेकिन जब एक बार जात में बंटवारा हुआ तो सबका सब हो गया, अखिलेश यादव ने बहुत से काम किए, महिला सुरक्षा में जितनी बात की जाती है योगी सरकार में महिला सुरक्षा, तो अगर उसको आप डाटा निकालेंगे तो महिला सुरक्षा के मामले में योगी सरकार फेल है, लेकिन अखिलेश ने 1090 जो योजना शुरू की थी उसने बहुत काम किया था। मैं नवेद भाई से एक बात पे सहमत नहीं हूँ, देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि हमने जात को अखिलेश यादव ने जोड़ा और वो होमवर्क कर रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे, मैं आपको कुछ जनपद बताता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए लेकिन उनके साथ में एक बाराबंकी जिला है आपके लखनऊ से सटा हुआ, वहां एक अरविंद मौर्य हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े खास थे, वो भाजपा में रुके रह गए, उनके उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया उनकी पत्नी को। फैजाबाद अयोध्या में एक बल्ला मौर्य थे जो उनके खास हुआ करते थे, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, उनको पहले टिकट दिया बीकापुर से, उसके बाद वो नाराज हो गए, उनके पीछे उनका समाज खड़ा हो गया, और क्या कहते हैं इसी तरह से जौनपुर पहुंच गए, जौनपुर में एक मौर्य को आपने टिकट दे दिया, उसके बाद उसका टिकट काट दिया, मौर्य नाराज हो गया, मुस्लिम के साथ जाने को तैयार नहीं है। देखिए नेता के जाने के बाद अगर उसके जो जनपद के छत्रप हैं वो नहीं जाते हैं तो नेता फेल हो जाता है। बिल्कुल, ये देखिए कुछ और है कि जाटों में मायावती अकेली नेता है,
यादव में अखिलेश यादव ही पूरे प्रदेश में, जैसे आपको बता दूं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से यादव लड़ा है, बहुजन समाज पार्टी से यादव लड़ा है, रायबरेली में कांग्रेस से यादव लड़ा है, वहां का यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है। तो ये जात आप बिल्कुल एक फैक्टर है, लेकिन इस जात के फैक्टर को सिर्फ फायदा सिर्फ समाजवादी पार्टी को होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि जिस पार्टी ने जहां पर जितना मजबूत जातीय नेता उतारा है उस विधानसभा में कम से कम उस जात का वोट उस जात के नेता को जाएगा, वो पूरा समाजवादी पार्टी या वहां उनका नहीं रहेगा। यानी जातिगत समीकरणों का जो जाल रचा गया है सभी पार्टियों की ओर से, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में काम करता हुआ नजर आएगा। तो यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत मतदान हो रहा है और एक और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं काशी, और काशी में नमो नमो की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें काशी से जहां जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही है और काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम जो है वो हम सबने देखा है। और आज इसी कड़ी में एक बार फिर से काशी में नमो नमो किसी तस्वीर के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं और काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री।